नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ल्यूकोरिया की दवा के बारे में। ल्यूकोरिया मतलब कि ऐसे मेडिकल कंडीशंस की जिसके अंदर वजाइना में से दही जैसा डिस्चार्ज बाहर आता है, या फिर ये डिस्चार्ज वो काफी ज्यादा थीक होता है, पनीर जैसा भी होता है, और कई बार वो काफी बदबूदार होता है, येलो विश भी ये डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर हम उसको ऐसी कंडीशंस कहते हैं कि योनि में से जो है वो सफेद पानी बाहर आता है। फिर कई बार वजाइना में रेडनेस भी देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम के कारण। आपको वजाइनल एरिया या फिर जो वुल्वा एरिया होता है वहां पे इचिंग होती है, रेडनेस भी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दवाइयाँ यूज होती है उसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, और जानेंगे कि ये दवाई कैसे काम करती है, किस तरह से आपको लेनी है, उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं ल्यूकोरिया की दवा के बारे में। तो ऐसे समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, उनकी दवाइयों के बारे में। तो मेडिसिन कोर्स को आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर, और ये काफी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है एक साल तक। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं ल्यूकोरिया के बारे में। तो ल्यूकोरिया एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर वजाइना में से एबनॉर्मल डिस्चार्ज बाहर आता है, कि जो कई बार व्हाइट कलर का भी हो सकता है या फिर येलो विश भी हो सकता है। और दूसरा ये होता है कि ये एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज के कारण जो है काफी बदबूदार स्मेल आती है, और जो वजाइना या फिर जो वुल्वा एरिया होता है वहां पे रेडनेस देखने को मिलती है, या फिर आपको इचिंग जैसा होता है, खुजली होती है वहां पे। तो ये होने के कुछ रीजंस होते हैं कि सबसे पहले आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, वजाइनल इन्फेक्शन जो हम कहते हैं, और ये इन्फेक्शन होने के कुछ रीजंस है, जैसे कि बैक्टीरिया के कारण भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, यीस्ट के कारण हो सकता है, और दूसरे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर जो इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे कि गोनोरिया है, क्लैमाइडिया है, और समझो कि आप पर्सनल हाइजीन अच्छे से नहीं रखते तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो एक पर्सनल हाइजीन भी काफी जरूरी है यहाँ पे, कि जितना आप अच्छे से साफ सफाई रखते हैं, हाइजीन रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो भी ये बीमारियां जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो यीस्ट होती है उसके कारण इस तरह के कंडीशन प्रोड्यूस होती है, और एबनॉर्मल डिस्चार्ज आना जो है वो शुरू होता है, कि जिसको हम कैंडिडा यीस्ट के कारण होने वाला वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं, और उसमें भी एक सिम्टम डेवलप होता है व्हाइट डिस्चार्ज आना, कि जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं, कि जो कैंडिडा अल्बिकेंस करके जो फूग आती है उसके कारण हो सकता है। फिर क्लैमाइडिया के कारण भी ये प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है, कि समझे कि आपका टेस्ट कराते हो आप और पता चलता है कि ये इन्फेक्शन जो है वो क्लैमाइडिया के कारण हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको ल्यूकोरिया हो सकता है। गोनोरिया जो है कि वो इस ये जो बैक्टीरिया है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो और जो पीआईडी की कंडीशन है, कि जिसको हम पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज कहते हैं, तो उसमें भी एक सिम्टम बनता है ल्यूकोरिया। तो बहुत सारी रीजंस बनते हैं व्हाइट डिस्चार्ज या फिर ल्यूकोरिया के लिए। तो अब उसके कुछ सिम्टम्स देखें, तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो इचिंग होती है वुल्वा या फिर वजाइनल एरिया के अंदर। फिर येलो विश, जो येलो कलर का या फिर व्हाइट कलर का एबनॉर्मल डिस्चार्ज बाहर आता है, कि जिसकी स्मेल जो है कई बार फिश जैसी होती है, कि मरी हुई जो मछली होती है ऐसी स्मेल कई बार आती है वहां से, या फिर किसी भी तरह की बदबूदार स्मेल वहां से आती रहती है, नौजिया फील होता रहता है, वीकनेस आ जाती है, फटीग जो हम कहते हैं, कि जो पेशेंट होता है उसकी भूख कम हो जाती है, और भूख कम हो जाने के कारण ऐसा भी होता है कि उसके शरीर में वीकनेस फील होता है, उसको कमजोरी सा महसूस होता है। तो अब उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं, कि बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि समझो कि आपको एलोपैथी से ट्रीटमेंट करनी है, तो उसमें आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। कि एंटीबायोटिक्स का ऑप्शन बनता है, कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो उस वक्त एंटीबायोटिक्स यूज की जा सकती है। फंगल इन्फेक्शंस हुए तो एंटी फंगल यूज की जाती है, और समझो कि किसी पैरासाइट्स के कारण हुआ है तो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स का आपके पास ऑप्शन रहता है एलोपैथी के अंदर, कि जिनकी टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है, उनके क्रीम्स भी अवेलेबल होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हर्बल मेडिसिन का ऑप्शन रहता है, कि जिनके कुछ भी आपके बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, काफी सेफ रहती है दवाइयाँ। होम्योपैथी में भी उसका इलाज है, और यूनानी मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में समझते हैं सबसे पहले, तो एंटीबायोटिक्स में अलग अलग है, कि जैसे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके अंदर ऑप्शन रहते हैं क्लिंडामाइसिन का रहता है, सेफ्ट्रीएक्सोन का ऑप्शन रहता है, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन जैसे फ्लॉक्सासिन का ऑप्शन रहता है, और पोविडोन आयोडीन का भी ऑप्शन रहता है, कि जो एक एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे काम करता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट वर्जिन है और समझे कि वो वर्जिनल टैबलेट्स वगैरह यूज नहीं कर पाता, तो इसके लिए इसके टैबलेट्स भी आती है, कैप्सूल्स भी आती है, जेल वगैरह भी आती है। तो उसी से शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। तो क्लिंडामाइसिन के आप कैप्सूल्स देख रहे हैं कि जो पेशेंट 150 से लेकर 300 मिलीग्राम के डोज में ले सकता है दिन में 4 बार। यूजली लोअर डोज से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि दिन में 2 या 3 बार आप ये 300 मिलीग्राम के टैबलेट जो है वो ले सकते हैं। फिर इसी की सपोजिटरीज आती है वजाइनल सपोजिटरीज। तो क्लिंडामाइसिन के साथ क्लोट्राइमाजोल कॉम्बिनेशन में होता है कि जो एक एंटी फंगल मेडिकेशन है, और वो भी यूज की जाती है वजाइनल इन्फेक्शंस या फिर जो ल्यूकोरिया की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। तो उसका जो डोज रहता है कि आप स्पेशली जो ये सपोजिटरी होती है रात को आपको इंसर्ट करनी होती है वजाइना के अंदर, और समझो कि 3 सपोजिटरीज आपको दी होती है, 3 दिन का ये कोर्स रहता है खासकर, और 3 दिन तक आपको रेगुलरली सेम टाइम के में रात को जो है वजाइना के अंदर ये टैबलेट को या फिर कैप्सूल को इंसर्ट करनी होती है, या फिर सपोजिटरी फॉर्म में है तो उसको इंसर्ट करना होता है। फिर बात आती है जेल की, कि अगर कोई पेशेंट क्रीम यूज करने चाहता है कि टैबलेट उसको सूट नहीं होती, कैप्सूल सूट नहीं होते, या फिर सपोजिटरी वो यूज नहीं कर पाता, तो उसके लिए जेल का ऑप्शन बनता है, क्रीम्स के ऑप्शन बनते हैं। तो क्लोट्राइमाजोल और क्लिंडामाइसिन का यहाँ पे आप देखो एक वजाइनल जेल अवेलेबल है कि डायरेक्टली आप वजाइनल एरिया में उसको लगा सकते हैं, और 2 या 3 बार आपको दिन में उसको लगा सकते हैं कि अच्छे से एरिया आप क्लीन कर सकते हैं डेटोल या फिर सिर्फ पानी को यूज करके, और उसके बाद ये आपको ये लगाना होता है। फिर टैबलेट्स में आप देख सकते हैं कि ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल के टैबलेट्स भी पेशेंट ले सकता है, कि एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं। और आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन लिवोफ्लॉक्सासिन का ऑप्शन रहता है कि जो एक टैबलेट दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार पेशेंट ले सकता है। फिर पोविडोन आयोडीन करके जो मेडिकेशन है कि जिसके क्रीम भी अवेलेबल होते हैं, ऑइंटमेंट भी अवेलेबल होते हैं, और उसके ये वजाइनल पेस्ट्रीज भी अवेलेबल होते हैं। तो ये जो पेस्ट्री है वो खासकर आपको रात को रखनी होती है वजाइना के अंदर, और इसका जो कोर्स होता है खासकर 10 दिन का होता है। 10 दिन के लिए आप ये रेगुलरली एक जो पेस्ट्री होती है उसको वजाइना में इंसर्ट करते हैं कि जिससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और यहाँ पे एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको रीजन पता नहीं है कि चाहे बैक्टीरिया से हुआ है, फंगस से हुआ है, या फिर किसी और रीजन से हुआ है, तो किसी भी रीजन से हुई है ये ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम को ये मेडिकेशन जो है वो ठीक कर सकती है। फिर अगर आप पेस्ट्रीज यूज नहीं कर पाते तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ऑइंटमेंट का ऑप्शन रहता है जो खासकर 5% की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट होता है कि जो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स के अंदर इंजेक्शन का, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट टैबलेट नहीं ले पाता, कैप्सूल्स नहीं ले पाता, वजाइनल टैबलेट या कैप्सूल या फिर सपोजिटरी यूज नहीं कर पाता, क्रीम भी यूज नहीं कर पा रहा, या फिर उससे उसका ठीक नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो ऐसी कंडीशंस में एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। तो यहाँ पे आप हम एक इंजेक्शन देख रहे हैं मोनोसेप करके, कि जो सेफ्ट्रीएक्सोन का इंजेक्शन है जिसके अंदर जो दवाई है सॉल्ट कंटेंट है वो सेफ्ट्रीएक्सोन है। तो उसका जो डोज रहता है खासकर 1 से लेकर 2 ग्राम जितना रहता है इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है पर डे, और जब आईवी में दिया जाता है तो तब ध्यान रखा जाता है कि उसको डाइल्यूट करके जो है वो दिया जाता है ड्रिप के अंदर। एंटीफंगल्स के ऑप्शंस हम देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं एंटीफंगल में, फ्लुकोनाजोल है, इट्राक्लोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, सर्ट्राकोनाजोल और फेंटिकोनाजोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लुकोनाजोल के जो टैबलेट्स, तो ये सिंगल डोज के तौर पर यूज की जाती है कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन है, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम हो, तो ये टैबलेट जो है वो एक ही ली जाती है, कि 150 मिलीग्राम की ये जो टैबलेट है वो एक ही बार आपको लेनी होती है, और जरूरत पड़ने पर ही दूसरे वीक को ये टैबलेट जो है वो आप रिपीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इट्राकोनाजोल का, तो ये हर दिन एक टैबलेट ली जा सकती है, 100 मिलीग्राम या फिर 200 मिलीग्राम की जो टैबलेट्स आती है वो एक टैबलेट पेशेंट ले सकता है, और मैक्सिमम उसका जो कोर्स होता है वो 7 दिन का होता है। फिर क्लोट्राइमाजोल का यहाँ पे आप देखो कि जो टैबलेट्स आती है वजनल टैबलेट्स है कि कैंडिड V6 करके, तो ये 6 दिन का कोर्स रहता है स्पेशली, कि यहाँ पे आप V6 लिखा है उसका मतलब ये होता है कि 6 ये टैबलेट्स आएगी, और V मतलब कि वजाइनल होती है, कि ये स्पेशली आपको वजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट करनी होती है, साथ में एप्लीकेटर भी दिया जाता है उसको यूज करके आप रात को एक टैबलेट को जो है वो वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं, और इसका जो कोर्स रहता है वो 6 दिन का रहेगा। आगे समझो कि ये मेडिकेशंस किसी को सूट नहीं होती, तो जेल का भी ऑप्शन रहता है, वजाइनल जेल आती है वी जेल करके, कि कैंडिड वी जेल करके ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर,
और ये इसके साथ भी एप्लीकेटर दिया होता है, या फिर आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपको हाथ वगैरह अच्छे से वॉश करने होते हैं, वजाइनल एरिया को अच्छे से क्लीन करना होता है, और उसके बाद ही ये क्रीम जो है वो आपको अप्लाई करनी होती है। फिर सबोजिट्री का ऑप्शन यहाँ पे एक और बनता है कि क्लोट्राइमाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं क्लिंडामाइसिन है कि जिसके वजाइनल सपोजिटरीज अवेलेबल है, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल उसको बनाता है, क्लिंजन करके ये प्रोडक्ट है, और उसी के सिमिलर दूसरा आता है क्लिंजन फोर्ट करके कि जिसके अंदर क्लिंडामाइसिन भी है, क्लोट्राइमाजोल भी है और टिनिडाजोल भी ऐड किया है। मतलब कि एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन, एंटी फंगल मेडिकेशन और एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन, तीनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पे। तो जब किसी को रीजन ही नहीं पता किस कारण से आपको ल्यूकोरिया हुआ है, आपने टेस्ट नहीं करवाया, तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेडिकेशन काफी यूजफुल साबित होती है। और यहाँ पे ये 7 वजाइनल सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होती है और ये 7 दिन का कोर्स रहेगा, सेम आप दूसरे कैप्सूल्स की तरह हर रोज जो है वो 6-7 दिन तक वजाइना के अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फिर सिंगल डोज का भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बनते हैं कि आपने ये सब उपाय कर लिए फिर भी आपका ल्यूकोरिया ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त एक मेडिकेशंस का ऑप्शन रहता है फेंटिकोनाजोल का, कि यहाँ पे एक फेंटिन करके एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन हम देख सकते हैं कि जो सन फार्मा उसको बनाती है। तो ये एक ही बार आपको यूज करना होता है वीक में, और एक कैप्सूल जो है वो रात को वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। उसी के सिमिलर दूसरा ऑप्शन बनता है ऑनाबेट V1 के, जिसके अंदर जो ड्रग है वो है सर्टागोनाजोल है, वो भी सेम आप जैसे फेंटिकोनाजोल यूज करते हैं उसी तरह से सिंगल डोज में यूज की जाती है, हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार, या फिर सिंगल डोज से भी आपका ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है। फिर एंटी पैरासाइटिक्स के हम देखें कि समझे कि पैरासाइट्स के कारण आपका ल्यूकोरिया हुआ है, तो उसके ऑप्शंस में रहता है मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ऑर्डिनाजोल, सेक्निडाजोल या फिर निमोराजोल के ऑप्शंस रहते हैं। तो ये सभी के टैबलेट्स अवेलेबल होती है, जेल फॉर्म भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल के टैबलेट्स भी आती है, और फिर IV ड्रिप्स भी पेशेंट जो है वो लगा सकता है ऐसे प्रॉब्लम में, और मेट्रोजेल करके जो जेल भी आती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं रात में। फिर नॉर्फ्लोक्सासिन के साथ देखो ये टिनिडाजोल के कॉम्बिनेशन में टैबलेट है, तो ये टैबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार जो पेशेंट लेते हैं ल्यूकोरिया को ठीक करने के लिए। अब ये दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज ये एंटीबायोटिक्स है, एंटी फंगल्स है और एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स है और एलोपैथिक मेडिकेशन है, तो उनके कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि आपको ये दवाइयाँ लेने के बाद डिजीनेस जैसा फील हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, स्टमक अपसेट रह सकता है, मतलब कि आपको ऐसा फील हो कि आपको नॉजिया वॉमिटिंग जैसा होगा, नॉजिया मतलब कि जी घबराना, उल्टी हो जाना, भूख कम हो जाना, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है इनसे, या फिर कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कई बार आपके माउथ के अंदर समझो कि कोई टैबलेट आप ओरली लेते हैं तो मेटालिक टेस्ट जैसा भी आपको फील होता है। फिर दूसरे कुछ साइड इफेक्ट समझो कि आप जेल या फिर वजनर टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ लोगों को समझो ये मेडिकेशन सूट ना हुई तो वजाइनल बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, एप्लीकेशन साइट पे रिएक्शंस हो सकती है, बर्निंग जो होना, इरिटेशन होना, इचिंग होना, रेडनेस होना, या फिर जिसको हम कहते हैं स्किन इरिटेशन। तो मान लो ये कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है ये मेडिकेशंस यूज करने के बाद, तो तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करके मेडिकेशन जो है वो चेंज करनी चाहिए। तो अब आगे ऐसी दवाई के बारे में सीखते हैं ल्यूकोरिया के लिए कि जिनके कोई साइड इफेक्ट्स ही नहीं है, कंप्लीटली आपके लिए सेफ रहती है। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है हिमालय का वी जेल का, तो ये वी जेल जो है वो आपके लिए कैंडिड वी जेल का एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शंस बन सकता है, कि कैंडिड वी जेल एक एलोपैथिक मेडिकेशन से, और उसके आपको साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है, जबकि ये लगाने से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगी, और ये जो है वो आपको दिन में 2 या फिर 3 बार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर हिमालय का दूसरा एक प्रोडक्ट आता है ल्यूकॉल करके, कि ल्यूकॉल के टैबलेट्स भी अवेल होते हैं कि जो आप सुबह 2 टैबलेट लेते हैं या फिर रात को 2 टैबलेट लेते हैं या फिर सुबह एक रात को एक, इस तरह से मिनिमम दिन में 2 या 4 टैबलेट जो वो पेशेंट ले सकता है एटलीस्ट 8 से लेकर 10 घंटे के टाइम इंटरवल पे। अगर आपको टैबलेट नहीं ले पाते तो कंपनी आपको सिरप का भी ऑप्शन देती है, कि ल्यूकॉल का सिरप भी आता है कि जो 5 से लेकर 10 ml जितना दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार जो वो पेशेंट ले सकता है ल्यूकोरिया को ठीक करने के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन है चरक फार्मा का ऑप्शन देख सकते हैं, फेमीफॉर्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट, तो ये जो टैबलेट है वो 1 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट आप दिन में 2 बार जो है वो ले सकते हैं, जिससे भी आपका ल्यूकोरिया ठीक हो सकता है। फिर उसके कंटेंट के बारे में आप देखो तो काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि उसके अंदर
लोधरा प्रेजेंट है, अशोका है, दारू हरिद्रा प्रेजेंट है उसके अंदर, और गुडुची उसके अंदर प्रेजेंट होता है। कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स है हर्बल की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं एक्शन, फिर एंटी बैक्टीरियल एक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंटी इचिंग प्रोवाइड करते हैं, रेडनेस वगैरह कम करते हैं, और ल्यूकोरिया को ठीक करने में काफी मदद करते हैं। फिर होम्योपैथी में भी उसका ऑप्शन है, एसबीएल का एक बायो कॉम्बिनेशन करके आप प्रोडक्ट देख सकते हैं ल्यूकोरिया के लिए स्पेशली, और ये टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो दो टैबलेट आप सुबह लेते हैं, दो टैबलेट रात को लेते हैं, या फिर एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट रात में, जैसे भी आपको सूट होती है मेडिकेशन उस तरह से ले सकते हैं, बट ये मेडिकेशन के कोई आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले। फिर हम देखिए यूनानी मेडिकेशन के अंदर, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माजुन सुपारी पाक करके एक प्रोडक्ट है और माजुन मोचरस करके एक प्रोडक्ट है, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट खासकर 125 ग्राम जितना अवेलेबल होता है, 100 ग्राम जितना कंटेंट में अवेलेबल होता है, तो रोज आपको 5 से 10 ग्राम जितना ये प्रोडक्ट लेना होता है, और उसको मिल्क में मिक्स करके, मतलब कि दूध के साथ आपको लेना होता है, केक जैसे आप मिक्सचर तैयार करते हैं इसमें से ये प्रोडक्ट लेते हैं और दूध के साथ मिक्स करके उसको पीते हैं दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार, कि जिससे भी आपका ल्यूकोरिया जो है वो ठीक होता है, और इन ये दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो ऐसे ही आप सीख सकते हैं डिटेल में मेडिसिन कोर्स को फार्मारॉक्स के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने का आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो मेडिसिन कोर्स को अभी ज्वाइन करिए और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कि जहां पे आप दवाई के बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।